नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंद कैम्प का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वुड कार्विंग बिजनेस की। अगर आप वुड कार्विंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कन्वेंशनल ढंग से वुड कार्विंग बिजनेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे CNC राउटर मशीन लगा के सिर्फ एक मशीन की मदद से आप वुड कार्विंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम तो उसको बड़े स्केल पे ले जा सकते हैं, अपना बिजनेस बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, वुड कार्विंग बिजनेस यानी कि लकड़ी पे नक्काशी का जो काम है ये हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। ये कई सौ सालों से चलता हुआ आ रहा है। हम अपने आसपास किसी भी वुड वर्कशॉप या फिर कारपेंटर शॉप पे ये काम देख सकते हैं होता हुआ। वो मैनुअली टूल्स के द्वारा हाथों से ही किया जाता है, पर उसमें जो हमें देखने को मिलता है, एनालाइज करने को मिलता है, वो ये चीज़ होती है कि कोई भी एक डिज़ाइन बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर हम एक ही डिज़ाइन के 5-6 पीस बनवाना चाहें तो वो सारे एक जैसे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यदि हम यही काम सिर्फ एक CNC राउटर मशीन की मदद से करते हैं तो हमें जो बेनिफिट होता है वो ये है कि जो हमारा टाइम है, सबसे पहले तो जो हम हाथों की मदद से वो काम कर रहे हैं, वही काम अगर हम CNC राउटर मशीन की मदद से करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। अगर हम दिन में एक पीस या दो पीस बना रहे हैं तो उसके बदले 6-7 पीस बना सकते हैं, यानी मार्केट से बड़े लेवल पे ऑर्डर उठा सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक्यूरेसी, अभी अगर हम CNC राउटर मशीन पे काम कर रहे हैं यानी कि मशीन CNC ऑपरेटेड है, तो इसके लिए हमें कंप्यूटर पे एक डिज़ाइन की जरूरत होती है और उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो एक बार जो हमने उसको प्रोग्राम कर दिया तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो बड़ा ही एक्यूरेट आएगा, और यदि हम उससे 5 पीस 6 पीस 10 पीस जितने भी पीस बनाना चाहें वो जो हमारा आउटपुट होगा वो बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, जिससे कि जो हमारी क्वालिटी है और जो मार्केट में हम अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसका जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो हमारी कंपनी का या हमारा बहुत ही अच्छा एक इमेज मार्केट को दिखता है। तो अब हम जान लेते हैं इस मशीन की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इस मशीन को लगाने के लिए हमें कितना वर्क स्पेस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का पावर कितना चाहिए, इसके अलावा इसमें हमारा टोटल खर्चा जो आता है वो लगभग क्या आता है। अब हम ये सब जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वुड कार्विंग बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें CNC राउटर मशीन से क्या क्या कर सकते हैं, तो हम कोई भी MDF की जाली बना सकते हैं, MDF पे 2D या 3D कोई सा भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। इसके अलावा वुड, प्लाईवुड, WPC बोर्ड, इन पे हम किसी भी तरह का कोई भी जाली कटिंग कर सकते हैं या 3D डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिरहाने होते हैं बेड के, दरवाजे होते हैं, चौखट, खिड़की, ये सब भी हम इस मशीन की मदद से बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, और बड़े ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी इस मशीन के द्वारा बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम लकड़ी के नेम प्लेट या MDF के नेम प्लेट और साइन बोर्ड भी इस मशीन की मदद से बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मशीन को लगाने के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए और इस मशीन का क्या कॉस्ट होता है। तो अगर हमें यह बिज़नेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए हमें कम से कम 120 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा, और जो CNC राउटर मशीन हमें लगानी है इसका बेसिक कॉस्ट, जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, वो 3.5 लाख प्लस GST है। मतलब आप 3.5 लाख प्लस GST के इन्वेस्टमेंट करके अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ये जो मशीन है ये 3.5 किलोवाट के एयर कूल्ड स्पिंडल के साथ हमें मिल जाता है, तो इस मशीन की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। खाली वुड कार्विंग ही नहीं बल्कि प्लास्टिक, अक्रैलिक, इन सब पे भी हम इस मशीन के द्वारा काम कर सकते हैं। अगर हम मार्केट रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि हम जानते ही हैं इसकी रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो मार्केट में जो CNC राउटर मशीन के लिए काम है वो बहुत ही ज़्यादा है। बस आपको ज़रूरत है सही एरिया सेलेक्ट करने की, ताकि जो आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसका जो भी खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो आपके बजट में बैठे। अब इसके बाद आपके मन में कुछ सवाल होंगे। सबसे पहला तो मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर हम इस मशीन को लगा लेते हैं तो हमें मार्केट से काम मिलेगा भी या नहीं। तो देखिए, मशीन लगाते ही आपको सबसे पहले तो एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर स्पेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ इस टाइप के, जहाँ वुड कारपेंटर शॉप ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा दूर ना हो, जहाँ लकड़ियों का काम होता है वो स्पेस बहुत ज़्यादा दूर ना हो। उसके अलावा आपको मार्केट में थोड़ा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अब जब तक लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि आपने मशीन लगाई है, तब तक आपके पास काम कहाँ से आएगा।
तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि इस मशीन को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और हमारा क्या खर्चा आ सकता है। तो सबसे पहले मशीन प्राइस, जैसा कि हमने पहले ही बताया 3.5 लाख प्लस GST में आपको ये मशीन मिल जाएगी। जिसमें आपको ये डाउट होगा, मशीन ले तो लेंगे, इस मशीन को चलाएंगे कैसे? तो मशीन को चलाने के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलाने की जो भी ट्रेनिंग होगी, मशीन कैसे चलाएं, वो ट्रेनिंग भी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एरिया जैसे हमने पहले आपको बताया 120 से 150 स्क्वायर फीट का आपको एरिया चाहिए होगा, जो कि आसानी से 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ के रेंट पे हमें मिल सकता है। इसके बाद मीटर कनेक्शन की बात करें, मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, तो मीटर कनेक्शन हमें कम से कम 5 KVA का मीटर लगवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारा खर्चा होगा, खर्चे में सबसे पहला मेन चीज़ जो आती है वो आती है मैन पावर की। मैन पावर में आपको 2 से 3 मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सबसे पहला जो मशीन को ऑपरेट कर सके, जो प्रोग्राम बना सके। इसके अलावा आपको एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट होगी, जो मशीन पे लोडिंग अनलोडिंग कर सके। इसके अलावा मशीन की थोड़ी बहुत साफ सफाई या थोड़ी बहुत सर्विस कर सकें। अब देखते हैं इनका जो खर्चा आता है, बेसिकली अगर हम किसी डिज़ाइनर की बात करें तो ये आपको आराम से 15 से 18 हज़ार तक की रेंज का मिल जाएगा, और हेल्पर आपको 9 से 10 हज़ार तक का मिल जाएगा। तो ये सब हो गया हमारा खर्चा, नॉर्मल खर्चा। इसके अलावा इस मशीन में जो कंज्यूमेबल पार्ट है वो है इसके टूल्स। इस मशीन के द्वारा कोई किसी भी तरह की कटिंग करने के लिए या फिर किसी भी तरह की 3D कार्विंग या किसी कोई नक्काशी करने के लिए हमें बिट चाहिए होते हैं, जो कि अलग अलग मटेरियल्स के आते हैं। अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के बिट आते हैं। तो आप कैसा काम कर रहे हैं, कैसे आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके हिसाब से आपको अपने स्टॉक में कुछ बिट्स रखने पड़ेंगे। बिट्स अक्सर टूट जाते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बिट्स स्टॉक में पहले से रखने पड़ेंगे कि आपका काम ना रुके। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि मशीन तो हमने लगा ली, अब इस मशीन से हमें मिलेगा क्या, मतलब जो हमारी इनकम होगी वो क्या हो सकती है। तो इस मशीन का जो बेसिक रनिंग कॉस्ट कह सकते हैं, जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो 300 से 500 रुपये पर घंटा हम कस्टमर से इजिली चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई टिपिकल डिज़ाइन है या फिर अगर आप ज़्यादा पावर की मशीन लेते हैं जो ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकती है, जैसे हमने 3.5 किलोवाट स्पिंडल के साथ मशीन की बात करी थी, पर वही अगर आप 6 किलोवाट स्पिंडल के साथ मशीन लेते हैं तो मशीन आपकी ज़्यादा तेज़ चलती है, आपको ज़्यादा काम करके देती है, और आपका जो कटिंग टाइम या वर्किंग टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है, उस मैटर में आप और ज़्यादा उससे चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर को इजी आपको इजी होता है, उसके बेसिस पर भी प्राइस होते हैं। कि जैसे कस्टमर आपके पास कुछ प्रोडक्ट ले आया बट वो कह रहा है कि मुझे आवर का रेट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट बता दो, तो आप वो भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम लग सकता है एस्टिमेटेड, या फिर आप मशीन पे कैलकुलेट करके आप उसको पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट का भी रेट दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप CNC राउटर मशीन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।